हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसको आज इस वीडियो में जानकारी देंगे कैसे आप इनको ऑनलाइन बेस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत पीजीटी की पोस्ट के लिए वैकेंसियों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन स्टेप रहेंगे, एक का आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और थर्ड में आपकी पेमेंट होगी। तो यहाँ से मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है, फिर से इसको आपने मूव व नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको 5 मिनट में बता देंगे, 5 मिनट की वीडियो रहेगी और इसमें पूरा का पूरा आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को इसका फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा गया है, नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कि अगर आप हिमाचल, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका PPID नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अगर आप हरियाणा के रहने वाले नहीं हैं तो यहाँ से आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे अदर कैटेगरी शो हो जाएगी। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई होगा और हरियाणा स्टेट वालों के लिए जो कैटेगरी वाइज जो रहती है उनकी, उसके आधार पे आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछा गया, आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाता है अगर आप कोई डेली बेस या फिर किसी कॉरपोरेशन में गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं यस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आपका जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछी गई है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी पूछी गई है तो यहाँ से आप वो सेलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाता है एक्स सर्विस मैन के लिए कि अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाता है यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे, अपनी मोबाइल नंबर, और उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आपके मोबाइल पे OTP आया है, उसको यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर आपके ईमेल पे भी OTP आया हो, उसको भी यहाँ पे वेरीफाई करना है और उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछा जा रहा है, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बेसिक डिटेल आएगी, जिसमें आपका यहाँ पे मदर नेम पूछा गया है, फादर नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। आगे पूछा जा रहा है कि आपको UPSC या फिर HPSC के या फिर अदर डिपार्टमेंट कोई भी स्टेट से एग्ज़ाम से बेदखल तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पे यस या नो अपना आंसर देंगे। फ्रीडम फाइटर है यस या नो, अगर कोर्ट या क्रिमिनल की कहीं आपको कोई सज़ा तो नहीं हुई है, या फिर हरियाणा के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या नहीं है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। आगे रहेगा यहाँ पे, इसके बाद रहेगा आपका क्रॉस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ फिलअप करेंगे, परमानेंट एड्रेस यहाँ फिलअप करेंगे। नीचे आ जाता है यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल आएगी, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और IFSC कोड डाल के यहाँ पे सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बेसिक डिटेल फिलअप होने के बाद अब आपके क्वालिफिकेशन डिटेल रहेगी। तो यहाँ पे आपका पहले 10th स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें आप अपना बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट, डिवीज़न और ईयर का पूरे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करने की मांगा गया कि आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। इसी तरह प्लस टू, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका BEd की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इन सबको आपने वन बाई वन यहाँ पे फिलअप करना है और जो भी डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन के, वन बाई वन यहाँ पे जो जो मांगे गए हैं यहाँ से आप अपलोड करेंगे।
उसके बाद आई हैव पे क्लिक करेंगे, आई हैव कंसेंट पे, रिकॉर्ड पे और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आगे का स्टेप रहेगा आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का। आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जो कि 100 पिक्सल से कम होने चाहिए और हाइट विड्थ यहाँ पे दिए गए 100 और 150 के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे आपका प्रीव्यू चेक करने के लिए आएगा, तो इसको आप चेक कर लें। उसके बाद फिर आपने प्रोसेस फॉर द पेमेंट पे क्लिक करें। लास्ट फाइनल स्टेप रहता है आपका ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा, ईमेल आईडी और अमाउंट जो आपको पे करना होगा। तो पे करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, ईमेल आईडी डालेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ही आपके पेमेंट के लिए ऑप्शन आएंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ से आप जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू स्क्रीन पे आएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन मिल जाएगा।